नमस्ते दोस्तों, मैं विक्रांत शर्मा, शर्मा एलसीडी टीवी सर्विस रांची से। ये सैमसंग का 55 इंच का पैनल है, जैसा कि देख सकते हैं ये HD पैनल है। ये म्यूट पिक्चर में आया था, चौहान जी से लेकर आए थे, जो कि बिल्कुल ही नो इमेज में था। तो काफ़ी समय लिया ये पैनल बनने में। पहला तो काम करने के क्रम में इमेज बन चुका था, लेकिन हाफ पार्ट में इमेज बना था, जो यहाँ देख सकते हैं 3.3 वोल्ट मिस और HDV मिस। उसके बाद हाफ पार्ट में पिक्चर बनी, यहाँ से मैंने VGH दिया, फिर पिक्चर भी रोलिंग हो रहा था, वो भी सॉल्व हो गया और अभी देख सकते हैं पिक्चर पूरा क्लियर है। तो इसके विषय में चौहान जी आपको विस्तार से बताएंगे। बताइए सर जी। दोस्तों, हालांकि इस पैनल को लेकर काफ़ी जद्दोजहद था। जिस टाइम मेरे पास टीवी आया था, कम से कम मानेंगे 6 महीने पहले आया था। हालांकि कस्टमर मेरे से सर्टिफाइड था, उसने बोला कि चौहान जी आप ही बना सकते हैं। तो मेरे पास बड़ा पैनल नहीं, काउंटर नहीं था लाइट बोर्ड का, इसको खोलने के लिए 50 इंच के पैनल पे मैं काम करता था। तो फिर लास्ट में लाइट बोर्ड बनाया, लेकिन जो नीचे पहले पिक्चर क्या थी, नीचे में इतना हाफ बनता था, उसके बाद ऊपर का जो है इमेज नहीं था जब मैंने इसको रिसीव किया था। लेकिन उसके दूसरे दिन जब मैंने चालू किया तो ये पूरी नीचे की भी पिक्चर बंद हो गई। तो मुझे लगा कि ऑफ के चक्कर में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो फिर मैं सोचा कि भाई अब शर्मा जी से बेहतर तो कोई नहीं होगा, तो इसको ले चलते हैं, उठा के धो के ही तो लाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉफ की भी प्रॉब्लम निकलेगी तो बॉन्डिंग मशीन पे हो जाएगा, दो एक पन दोनों काज हो जाएगा। सो आया हूँ तो सर ने देखिए इतना इसको डायग्नोज किया, डायग्नोज करने के बाद इसमें बाईपास किया, बाईपास करने के बाद इसमें फिर रोलिंग आई थी। रोलिंग की वीडियो आप लोगों को मैंने भेजा भी था ग्रुप में, लेकिन उसके बाद सर ने इसको प्रॉब्लम को सोल्व किया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा लाइव देख करके बनाने का। और हमारे तीनों पैनल लगभग लगभग दो तो ओके ही हो गए, जो तीन लाया था मैं, तीनों मोस्ट होने वाले नहीं थे, लेकिन वो शर्मा जी की वजह से संभव हो पाया कि वो तीनों के तीनों रेडी है। हमारे यहाँ के जो हमारे खुद के दोस्त हैं जिनको मैंने बॉन्डिंग मशीन दिलाई, वो तक बनाने को तैयार नहीं थे। फिर लास्ट शर्मा जी के पास ये ऑप्शन आया और शर्मा जी ने उसको 100% निभाया। थैंक यू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।